और इस बड़ी खबर के बाद लौटते हैं मुद्दा में। 5 बज चुके हैं, 5 से ज्यादा ही समय हो गया, लेकिन आज क्योंकि बड़ी खबर आई इसलिए हमने शुरुआत उससे की है। वापस मुद्दा की शुरुआत करेंगे। क्या राजधानी दिल्ली में सड़क हादसे के शिकार किसी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिलेगा? क्या इलाज के बीच में उसे अस्पताल से हटाकर घर भेज दिया जाएगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के सरकारी अस्पताल यानी कि LNJP अस्पताल से हादसे के शिकार को, बेहोश मरीज को इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि डॉक्टरों को पता नहीं है कि उसे होश कब आएगा। अब वो शख्स अपने घर में ही मौत से जंग लड़ रहा है। अपने घर के बिस्तर पर अचेत पड़े 30 साल के आजाद को कब होश आएगा किसी को नहीं पता। दिल्ली के वजीरपुर गांव में रहने वाले 2 मासूम बच्चों के पिता आजाद कुछ दिन पहले एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे। पुलिस ने उन्हें LNJP अस्पताल पहुंचाया। परिवार को अगले दिन आजाद के घायल होने की खबर मिली। परिवार जब अस्पताल पहुंचा तो आजाद बेहोश थे, उनके सिर पर गंभीर चोट थी। होश कब आएगा ये डॉक्टर भी नहीं बता सकते। शनिवार को उन्होंने सुबह सुबह ही मुझे ये दे दिया था, उसके बाद उन्होंने ग्लूकोज को सब कुछ हटा दिया था दोनों का, पूरे दिन वो हटा रहा, नहीं तो लगाया उन्होंने। हमने बोला भी था कि हालत खराब होने लग रही है, इसे लगा दो, तो कह रहे कि नहीं इनकी छुट्टी हो चुकी है, अब क्या करना, से लगा के इसे घर लेके जाओ। एक तरफ सोनिया अपने पति की सलामती के लिए दुआ कर रही थी, दूसरी तरफ अस्पताल ने उन पर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। सोनिया के मुताबिक 18 जुलाई को अस्पताल ने कहा कि आजाद को घर ले जाएं। परिवार के मुताबिक LNJP अस्पताल ने दलील दी कि उनके पास बेड नहीं है और ज्यादा दिन तक किसी एक मरीज के लिए बेड नहीं भरा रह सकता। सोनिया के मुताबिक डॉक्टरों ने उनसे कहा कि आजाद को तो वैसे भी मरना है, बेहतर होगा कि वो घर पर मरे। मैं कह रही सर इनको इतने ऐसे हालत में कैसे लेके जाऊं यहां से, तो कह रहा मरना ही तो ऐसे यहां पे भी मरेगा वहां पे भी मरेगा। आराम के तुम्हें तो आराम पच रहा है यहां पे पड़े हो सब कुछ के बेड तोड़ने लग रहे यहां पड़े पड़े। परिवार की तरफ से डॉक्टरों से लगातार मिन्नतें और मान मनोवल के बाद अस्पताल ने 18 जुलाई को तो आजाद को डिस्चार्ज नहीं किया, मगर 23 जुलाई को उन्हें जबरन छुट्टी दे दी गई। सोनिया का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उनकी गुहार नहीं सुनी और कोई रास्ता न देख वो पति को घर ले आई। फिलहाल आजाद को दवाइयां दी जा रही हैं मगर कोई असर होता नहीं दिख रहा। इस बीच एक NGO ने आजाद की लड़ाई कोर्ट तक ले जाने की ठानी है। चाहे हेल्थ का बजट 1.5 गुना कर दें, लेकिन यहां तो नियत का ही अभाव दिखता है। यहाँ व्यवस्था में कमी हमें दिखती है। व्यवस्था में अगर कमी है तो उसका सुधार करना चाहिए। अगर व्यवस्था की कमी का सुधार किसी की जिंदगी लेके हो तो मुझे लगता है इतनी बड़ी कीमत नहीं होनी चाहिए। उधर जब IBN 7 ने अस्पताल से संपर्क किया तो हमें बताया गया कि इस तरह के मरीजों को लंबे वक्त तक रखने के लिए उनके पास सुविधाएं नहीं है। अस्पताल की तरफ से कहा गया कि वो आजाद को धर्मशाला में ठहरा सकता है। रिहैबिलिटेशन में जहां एक पेशेंट को एक बेड हफ्तों या महीनों चाहिए, वो हमारे पास आज की तारीख में सुविधा नहीं है। इस फैमिली के कोई लॉयर थे जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, मैंने उनको बताया था कि हम इनकी जो रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी और वगैरह डिपार्टमेंट से कराना चाहेंगे तो धर्मशाला में उनको एक कमरा हम दिलवा देते हैं। दिल्ली जहाँ से देश चलता है, हिंदुस्तान की दशा और दिशा तय होती है। इस दिल्ली में जहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से मरीज जिंदगी की आस में आते हैं, वहाँ आजाद जैसे मरीजों के लिए अस्पतालों के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। ये हालात हमें खुद से कई सवाल पूछने को मजबूर करते हैं। क्या इस देश के सियासतदान ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यूं ही कोई मरीज बगैर इलाज के न मरे, यूं ही किसी मरीज को अस्पताल से ये कहकर न बाहर निकाल दिया जाए कि उसके पास बिस्तर नहीं है। अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN 7। और इस बारे में जब हमने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतीन जैन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनके पास लगातार ऐसी शिकायतें आती रहती हैं जहां पर अस्पताल की तरफ से मरीजों को उचित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक सरकार लगातार अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स नहीं है जी। और सर वेंटिलेटर की बात बताता हूँ, मेरे पास भी लोग आते हैं, डॉक्टर सबसे पहले मुझसे ये कहता है कि आपने सरकार के वेंटिलेटर पे पेशेंट को लगाना है, तो आप 10 लोग हमारे पास वेंटिलेटर पे ऑलरेडी हैं, बताइए किसका हटाएं जी। तो पहले किसी का हटाना पड़ेगा, मैं भी नहीं कह सकता कि आप हटा दीजिएगा, जिसका भी हटाएंगे उसको तो फिर मुश्किल है। तो दिल्ली के अंदर समस्या है, हम मान रहे हैं ना, इसको ठीक करेंगे। समस्या है ये बात भी मान रहे हैं, उसको ठीक किया जाएगा ये भी मान रहे हैं, लेकिन कब तक और जब तक समस्या ठीक नहीं होती क्या लोग इसी तरीके से अपनी जान गंवाते रहेंगे? चर्चा हम करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, परिचय कराती हूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं।
बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दीपिका शर्मा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, साथ ही साथ आजाद परिवार के साथ मौजूद हैं हमारी संवाददाता पायल भुयान और अशोक अग्रवाल जी एडवोकेट हैं दिल्ली हाईकोर्ट के, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे चर्चा करेंगे। पायल, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, परिवार क्या कह रहा है इसको लेकर? नवजोत, स्टेबलाइज करना चाहिए किसी भी मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले, लेकिन 13 दिन गुजर गए हैं अभी तक, आजाद की हालत वैसी है, पत्नी उनकी हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? सरकार आपको सुन रही है, हॉस्पिटल प्रशासन भी आपको सुन रहा होगा। बस यही चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे को इलाज अच्छी तरह से हो जाए, उन्होंने जल्दी दे दिया, वहाँ पे उल्टा सीधा बोला, ये नहीं चाहते थे मैं, मेरे हस्बैंड को बचाया जाए बस, और कुछ नहीं चाहती किसी से भी, बस सरकार से चाहती हूँ कि वो इनकी गौर करवाए बस, पुलिस से बोल के हॉस्पिटल वालों से बोले कि इनको वो करें, चेक वगैरह सही से करें, कुछ भी नहीं कर रहे, उन्होंने बीच बीच में ग्लूकोज छुटा रहे थे, इलाज नहीं कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे मुझसे। क्या बोल रहे थे? कहते कि यहाँ से जाओ, तुम्हारा हस्बैंड को मरना है तो यहाँ पे भी मरेगा, वहाँ पे भी मरेगा जी। पायल, कहते कि तुम तो आराम का खा रहे हो यहाँ पे पड़े पड़े, ये है वो है, कुछ कुछ कहने जी। नवजोत, आपने सुना कि क्या कहना था परिवार का? बिल्कुल हमने सुना, और डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर मलिक आपने भी सुना परिवार क्या कह रहा है, ये बताएं क्या कोई अस्पताल इस तरीके से मरीज को बाहर निकाल सकता है? देखिए, कुछ चीजें मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अगर हम किसी भी पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, घर भेजते हैं, तो उसकी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होती है, वो हमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है, क्या उस पेशेंट का सेंसोरियम ठीक है, उस पेशेंट्स के वाइटल्स ठीक हैं, घर में जाके उसको मौत होना तो दूर की बात, कोई और समस्या तो नहीं आएगी। तो एक डिस्चार्ज प्रोटोकॉल होता है, किसी भी पेशेंट को अगर हम घर भेजते हैं तो उसके पैरामीटर्स, खास करके उसके वाइटल्स वगैरह सब कुछ स्टेबल होने चाहिए, वो सुधरती हुई हालत में होना चाहिए, और ऐसा भी लगना चाहिए कि घर जाने के बाद में तुरंत उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, तभी हम उसको घर भेजते हैं। हाँ। और जो पेशेंट अपने ऊपर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप से खा रहा है, पी तो रहा है, अस्पताल चल की रहा है, ये दलील क्या हजम होती है या नहीं? डॉक्टर मलिक, क्या अस्पताल की ये दलील हजम होती है या नहीं? उनका ये कहना है कि हम कब तक इंतजार करते रहेंगे, एक बेड एंगेज रहेगा उनके लिए? देखिए, ये बिल्कुल डेफिनेटली मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि पेशेंट को क्या बीमारी थी, अस्पताल ने क्या इन्वेस्टिगेशंस की है और क्या ट्रीटमेंट की है, ये एक गहन अध्ययन और इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये चीज बिल्कुल सामने आ जाएगी कि उसको क्या बीमारी थी, उसको क्यों भेजा गया घर। लेकिन एक चीज ये बड़ी स्पष्ट है कि पेशेंट को घर भेजने से पहले हम पुख्ता ये जानकारी ले लेते हैं कि पेशेंट को घर में जाके कुछ होना नहीं चाहिए, और अगर उसकी घर में जाके मौत हो रही है, किस वजह से उसकी मौत हुई, इन सबका गहन इन्वेस्टिगेशन एक होनी चाहिए। जी डॉक्टर मलिक, कि पेशेंट को इस हालत में क्यों भेजा गया। जी डॉक्टर मलिक, सौरभ भारद्वाज, जब आपने सुना उस मरीज की पत्नी, वो किस तरीके से कह रही कि हमें वहां से निकाल दिया गया, दलीलें क्या थी वो भी हमने आपको सुनवाई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ये बात मान रहे हैं कि ठीक है, कमियां हैं वहां पर, उसको दुरुस्त किया जाएगा, बजट आपने डबल कर दिया, लेकिन ये बताएं कि वो कब तक दुरुस्त होंगी चीजें? अभी तक तो आपकी तरफ से कोई ना कोई जाना चाहिए था परिवार के पास, अस्पताल की सीधे सीधे गलती है। देखिए, अगर इनसे अस्पताल के किसी कर्मचारी ने बदतमीजी से बात की है और गलत बयान दिए हैं तो वो नहीं करने चाहिए। अगर उनकी कोई मजबूरी है, डॉक्टर्स कई बार ऐसा होता है अपनी जजमेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए लिमिटेड बेड्स हैं और हमारी ओपीडीज, हमारी इमरजेंसीज, हमारे बेड्स सारे ओवरक्राउडेड हैं, इसके अंदर कोई छुपाने योग्य बात नहीं है। तो डॉक्टर्स जनरली ये जजमेंट लेते हैं कि बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो भी मरीज़ थोड़ी सी बेहतर हालत में होता है और उनको लगता है कि भाई अब इसको शायद घर ले जाके भी आराम रह सकता है। सौरभ, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, खुद डॉक्टर रवि मलिक ये कह चुके हैं कि डॉक्टर रवि मलिक ये कह चुके हैं, आपने सुना उनका भी, उनकी भी बात सुनी, यानी वो इस हालत में नहीं है, वो 13 दिन से उसको होश नहीं आया। मैं डॉक्टर मलिक की बिल्कुल जी मैं डॉक्टर मलिक की बिल्कुल बात समझता हूँ, और ये भी हो सकता है कि किसी डॉक्टर ने जब ये जजमेंट लिया हो तो उनका जजमेंटल एरर भी हो सकता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। मगर हाँ, मैं ये बताता हूँ कि अगर ऐसा है कि इनका बेड खाली करके डॉक्टर को ये लगता है कि भाई चलो मेरे को एक मरीज कम हो गया, मेरे को आराम हो गया, एक बेड खाली है, तब तो उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर अगर वो बेड खाली होते ही और ज़्यादा पीड़ित मरीजों को उस बेड पर लाया जाता है, तो मुझे लगता है ये मजबूरियाँ भी
हमें समझनी चाहिए। नहीं तो उस मरीज का क्या, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे दिया जा सकता। सौरभ की सौरभ की ये बात, सौरभ की ये बात ठीक नहीं लगती है। सौरभ जी, सौरभ जी ऐसा है, बहुत बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है आपका। मैं कहती हूँ बहुत इनसेंसिटिव बयान है। सामने तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर जो हैं उनको भली भांति पता है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। आपको पता है कि दिल्ली सरकार के पास दवाइयां नहीं हैं डॉक्टरों के लिए, आपके पास उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। आपकी पार्टी जो है शहर शहर में होर्डिंग लगा रही है, 526 करोड़ रुपए अपनी महिमा मंडल पे खर्च कर रही है। आप दिल्ली असेंबली में कहते हैं कि जी स्वास्थ्य का हमने बजट दो गुना बढ़ा दिया है, और दो गुना बढ़ाने का ये रिजल्ट है कि एक एक मरीज जिसकी हालत इतनी इतनी खराब है, आपके दिल्ली के डॉक्टरों को आज डर नहीं है। जो जो अस्पताल आपके अंडर आते हैं, आपको याद होगा 2 महीने पहले डॉक्टरों की स्ट्राइक हुई थी, तो 15 दिन तक आप उसको तोड़ नहीं पाए थे। आज आपने 15 दिन पहले एक मोहल्ला क्लिनिक का आपने इनॉग्रेशन किया। मैं आपसे सीधा स्पष्ट सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में 228 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, आपने उनकी माली हालत ठीक करने के बजाय आपने अपनी उनको एक पॉलिटिकल करने के लिए आपने आम आदमी मोहल्ला नाम से आम आदमी क्लिनिक आपने नए नए खोलने शुरू कर दिए। अरे दिल्ली में जो फंडामेंटल जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं पहले आप उन्हें संवारिए। और सबसे मूलतम क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो 526 करोड़ का अपने महिमा मंडल का जो बजट किया है, क्या आप उसमें से 1 लाख 2 लाख 5 लाख सौरभ ये सवाल जरूर उठेंगे, जरूर उठेंगे और ये उठ भी रहे हैं लगातार कि इतना बजट आपने अपने महिमा मंडल के लिए किया। हालांकि ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री ये मान रहे हैं कि कमी है, बट उस कमी को दुरुस्त करने के लिए भी इंतजार कितना इंतजार करना पड़ेगा। मैं लूंगी सौरभ आपका जवाब, जरा हरिशंकर जी आप भी अपनी बात रख दीजिए। मैं आखिरी कंक्लूडिंग क्वेश्चन आपसे होगा। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, अभी सौरभ जी ने भी कहा, सत्येंद्र जैन भी कह के चले गए, और मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ कि आज हमारे दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं वो ओवरक्राउडेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दिल्ली में जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर दिल्ली के लोग ही नहीं रहते, बल्कि दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से भी लोग आते हैं। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, दिल्ली के ये जिस क्षेत्र से ये आदमी आज़ाद आते हैं, वजीरपुर गाँव से, उसी विधानसभा क्षेत्र में दीपचंद बंधु नाम से नया हॉस्पिटल बनकर तैयार खड़ा हुआ है, 250 बेड का हॉस्पिटल है। मैं वहां से विधायक था, हमने वहां पर ओपीडी चालू कराया, हमने वहां पर एमरजेंसी चालू कराया। 1.5 साल में वो हॉस्पिटल बेड बनकर तैयार पड़े हुए हैं, उसको चालू नहीं करवा पा रहा दिल्ली सरकार, दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग। अगर ये हॉस्पिटल वहां पर तैयार होता तो मैं समझता हूं कि इस आदमी को वहां पर जाने की जरूरत नहीं। दोनों सवालों का जवाब सौरभ दे दीजिए, मैं लौटती हूं अग्रवाल जी आपके पास। सौरभ देखिए जो एक महिला ने जिसने बोला वो तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल रेटोरिक था, मगर जो भाई साहब ने बात की वो बात सही है कि देखिए दिल्ली के अंदर ओपीडीज जी जो दिल्ली के ओपीडीज में बहुत ज़्यादा रश रहता है, ओवरक्राउडेड रहता है, और कई लोग जो छोटे छोटे जिनके बीमारियां होती हैं वो भी बड़े बड़े अस्पतालों में आते हैं। यही सोच के सरकार ने किया कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स दिल्ली के कोने कोने में बना दिए जाएँ ताकि इन हॉस्पिटल्स का रश कम हो सके और जो गंभीर बीमारियां हैं वही इन हॉस्पिटल्स पे पहुंचे। दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी है, कई जगह एक एक बेड पे दो दो पेशेंट को भी रखा जाता है। और हमारी सरकार का आपने ठीक क्यों नहीं किया? लीजिए, आप पहली बार बहस में आई हैं। आपने इसको पॉलिटिकल मूव क्यों बनाया है? ठीक है, आम आदमी पार्टी के अग्रवाल जी आपको बोलने में सौरभ जी एक बात मैं अग्रवाल जी से एक रिएक्शन देखिए। सौरभ सौरभ एक मिनट रुकिए सर। देखिए सौरभ की ये जो दलील है कि इसको बिस्तर कम चाहिए, इसको बिस्तर ज्यादा चाहिए, अगर किसी पेशेंट को बेड चाहिए तो ज्यादा और कम की तो कोई बात नहीं है। और ये है सरकारी अस्पताल,
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हिसाब से भी एक सरकारी अस्पताल में, और वो भी एक एक्सीडेंट पेशेंट, हाँ। अगर हम जाएंगे तो उसकी कम जरूरत है बेड की, इसलिए उसको घर भेज दो। आप एक वकील तो... भी ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी इसमें है और आप उसका उल्लंघन भी नहीं कर सकते, ये डॉक्टर्स को भी भली भांति पता। हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसा ना। और फिर देखिए, जहां जिंदगी का सवाल है, अगर आप, आपके पास सपोज करो कोई प्रॉब्लम है आपके हॉस्पिटल के अंदर, मैं ये हमेशा बोलता हूं कि एक पेशेंट जब एक अस्पताल में चला गया तो ये उस अस्पताल की जिम्मेदारी है ये देखना कि उसको बेस्ट मैनेजमेंट मिले। अगर उसके पास हॉस्पिटल के पास कोई चीज की कमी है, सपोज करो वेंटिलेटर चाहिए, तो वो देखे उसको कि कहां वेंटिलेटर मिल सकता है। मान तो रही है, लेकिन घर भेज देना, कोई डेडलाइन है कब तक ये कमी पूरी हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको बताऊं। देखिए, अभी तक आजादी के बाद 65 साल में करीब 10,000 बेड हमारे दिल्ली में हैं। हमारा ये वादा है कि 2.5 साल के अंदर हम दुगने कर देंगे जितने बेड दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, हम इन्हें डबल कर देंगे। आप इस पेशेंट को वापस हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे?